बहुत पेन हो रहा है। यहाँ से तो ब्लड भी निकला है। फैमिली कैसे हो आप सब। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और जिस प्यार की वजह से मैं YouTube ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैंने एक ही ब्लॉग डाला था, सो वेलकम बैक बोलूँगा क्योंकि पहला एक और अब फिर से स्टार्ट कंटिन्यूसली रखूँगा। सो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरी आप लोगों को पसंद थी और जिसकी वजह से मुझे आपने मेरे न्यू अकाउंट इंस्टाग्राम पे 200 के फॉलोअर्स कंप्लीट करवाए, इतना प्यार दिया जिसको देख के मुझे लगा कि हाँ यूट्यूब फिर से स्टार्ट करना चाहिए। सो आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं न्यू टैटू बनवाने जा रहा हूँ। टैटूज की वजह से मुझे फेम या मुझे आप सबका प्यार जो मिला और बहुत सारे लोगों ने मुझे देख के मेरे डिट्टो सेम टैटूज बनवाए। मैं उनको भी बता दूं कि टैटूज अच्छा बनवाना, इंक मैटर करती है, आर्टिस्ट मैटर करता है। सो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो जो आज मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। आज मैं जम्मू का एक बहुत अच्छा टैटू आर्टिस्ट हैं जिनका नाम टिंकू है। मैं उनको ब्लॉगिंग मतलब अपने उनको पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ क्योंकि यार वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। ये कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, जस्ट मेरे को पता है वो क्या आर्टिस्ट है, उसको क्यों इतना मतलब फेम नहीं मिलता, क्यों उसको एक लोगों का प्यार नहीं मिलता या क्यों उसके पास लोग नहीं है, क्योंकि उसके रेट बहुत कम है। बट टैटू आर्ट है और उनका आर्ट माइंड ब्लोइंग है। मतलब वो जम्मू में बहुत सारे ऐसे टैटू आर्टिस्ट हैं जो बहुत पे कर लेते हैं क्योंकि उनका नाम बन गया, उनको फेम मिल गया, उनको मीडिया ने उठा दिया हुआ है। सो ये एक पॉलिटिक्स होती है इसके पीछे भी। पर वो बंदा बहुत अच्छा टैटू आर्टिस्ट है। आपने देखा होगा यार इतने टैटूज हैं मेरे, तो उसके बाद मैं क्यों एक जिसको नॉलेज नहीं होगी उससे बनवाऊंगा। सो जल्दी से बताता हूँ, अभी हम जा रहे हैं टैटूज बनवाने। और एक चीज और आपको ये बता दूं कि टैटूज बनाने के बाद, टैटू के बाद आप 2-3 दिन तक शावर नहीं ले सकते, मतलब वहां पे पानी नहीं लगना चाहिए। सो ऐसी जगह पे टैटू बनवाने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे शावर लेते हुए प्रॉब्लम आएगी। सो आज आप नहा लो क्योंकि आप उसके बाद 2 दिन तक नहा नहीं सकते। मजे है यार, ठंडा जम्मू में बहुत ज्यादा, नहीं नहाएंगे हम, ये तो एक बहाना मिल गया। सो बाय बाय, टेक केयर। आप शावर ले लो, मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को कोल्ड था। बाय। सो गाइस हम निकल चुके हैं टैटू के लिए, स्टूडियो के लिए। सो आपको ये बता दूं ये एड्रेस कहाँ पे है, टिंकू टैटू आर्टिस्ट का एड्रेस है मेन बाजार विजयपुर, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जेके बैंक के पास। विजयपुर में जेके बैंक है, यो जेके बैंक बहुत फेमस है। सो उसके पास बिल्कुल टैटू एंड आर्ट स्टूडियो करके नाम है उनके टैटू का। बस हम पहुंच गए हैं उनके स्टूडियो के बाहर। और क्योंकि शॉप बहुत 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 ये देखो 4th फ्लोर पे है उनकी शॉप। सो अभी मैं बताता हूँ आपको कितना चलना पड़ेगा, मैं थक जाऊंगा, मेरे को फीवर भी है। बट मैंने सोचा है कि पहला टैटू आपके लिए जो मतलब टैटू इन द सेंस कि पहला व्लॉग जो टैटू का होगा वो आपके लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगा। स्पेशल इसीलिए बनाऊंगा कि बहुत सारी डिटेलिंग दूंगा। मैंने आई स्वेयर ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि लोगों ने मेरे को देख के सेम ये वाला टैटू और ये वाला टैटू मेरे जैसा बनाया है और बहुत मजा आएगा यार। सो अभी हम पहुंच गए हैं टैटू स्टूडियो में और ये है हमारे आर्टिस्ट टिंकू जी। इन्होंने मेरा पहले भी टैटू किया है। सो आपको ये बता दूं, जैसे मैंने बोला आर्ट मैटर करता है, पैसा नहीं। इनका आर्ट मैटर करेगा, पेमेंट आप मतलब शॉक हो जाओगे कितने कम लेते हैं। सो इनको नहीं पता था। मैंने ये भी पूछा ये मेरे साथ आपका कोलैब तो नहीं है ना, पेड है ना, ऐसा ऐसा कुछ बोला था मैंने कि ये कोलैब है। सो ये भी सरप्राइज था इनके लिए। सो अभी मैं इनको इनसे कुछ डिटेलिंग लेता हूँ, बातें करते हैं इनके साथ और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लाइटिंग थोड़ी कम है जिस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्लैरिटी में। बट यार 4 फ्लोर चढ़ गया, वो थक गया। सो अभी ये तैयारी कर रहे हैं अपनी, मैं आपको बताता हूँ। आप भाई ब्लॉग शूट करेगा और मैं बातें करूंगा और आपको बताऊंगा। सो गाइस मैं आपको बता दूँ मैं कौन सा टैटू बनवाने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे यही वर्ड्स यहाँ पे बनवाने हैं और मैं शाम को टैटू से ये भी अनाउंस कर दूंगा। मेरी मम्मी बहुत गाली देगी बट ये टैटू भाई ने किया था ये से। सो देखो कितना प्रोफेशनल है। पहले उनको टैब पे डाउनलोड करेंगे, थोड़ा एडिट करेंगे, खुद एडिट करेंगे, उसके बाद वो मेरी पिक पे एडिट करके लगा के बताएंगे कि मुझे कैसा सूट कर रहा है, वो आप देख सकते हो सूट करेगा नहीं करेगा। देखो ये टैब में इन्होंने अपना मेरा पिक डाला है, इसके बाद ये टैटूज लगाएंगे यहाँ पे कि ये कैसे लगेंगे। तो अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं ये बनवा सकता हूँ, अगर मुझे अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं हटवा भी सकता हूँ। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ है आज की डेट में यार, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है। बहुत पहले का होगा बट मेरे लिए न्यू है क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो अभी देखो ये कैसा, आप बताओ ये कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये टैटू कैसा लगेगा। यहाँ पे ठीक है, हाँ ये 5 यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हाँ 2 नेक पे, हाँ नेक पे बस जितना यहाँ तक है ना, ये देखो जितना इससे ऊपर नहीं है ना इतना ही रखना है, ज़्यादा ऊपर नेक वाली साइड नहीं लेना क्योंकि ये टैटू भी है ना कि उसकी लुक नहीं खत्म होगी। हाँ ये बाकी वाले 2 हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो गाइस अभी थोड़ी एडिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बताते हैं। सो गाइस हमारा टैटू फाइनल हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई अभी स्केचिंग कर रहे हैं। स्केच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है टैटूज में कि कितने प्रोफेशनल तरीके से आप स्केच को रेडी करते हो। ये देखिए थोड़ा सा भी गलत होगा तो टैटू पूरा ख़राब हो जाएगा। सो गाइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये टैटू क्योंकि मेरे को सेम पोजीशन चाहिए। अब ये इन पे आइए कैसे सेम करेंगे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल सेम नहीं होगी तो टैटू का मज़ा नहीं आएगा और लुक ख़राब हो जाएगी बॉडी। सो अभी अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं कितना सही जाता है कितना सही नहीं जाता है। हर चीज़ को मेजरमेंट करना पड़ेगा, हर चीज़ को उसी अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, अगर सही नहीं होगा तो टैटू ख़राब हो जाएगा। सो गाइस अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि हम टैटू एक साथ नहीं लगा सकते थे, अगर हमें सेम डिज़ाइन चाहिए तो भैया ने हर एक वर्ड को 9 वर्ड्स हैं उनको काट काट के सिंगल उसमें लगा रहे हैं। सो उसके बाद जब ये लग जाएगा मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि कैसा दिख रहा है, उसके बाद हम अपना टैटू स्टार्ट करेंगे। सो अभी मैं कुछ डिटेलिंग भी आपको दूंगा कि कौन से इंक यूज़ करते हैं भैया, या कौन से मैक्सिमम आर्टिस्ट टैटू आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, कौन सी मशीन यूज़ करती है, या क्या इनका वर्क रहता है, कितनी महंगी होती है, सब कुछ डिटेल दूंगा बस इन सब के बाद। सो वेट करो गाइस। सो गाइस हमारा स्केच बन चुका है, बहुत टाइम लगा स्केच को ही, आधा घंटा लगा क्योंकि पोजीशन आगे पीछे हो रही थी, 3 बार तो प्रिंट निकालना पड़ा। सो उसके बाद अभी भैया तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ भैया ये कौन सी नीडल होती है, 5RS नीडल है और इस पर डेट लिखी होती है। सो सबसे पहले जब भी आप टैटू बनवाने जाओ तो नीडल की डेट ज़रूर चेक करो, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक टैटू आर्टिस्ट को तैयारी होती है। इस मशीन का क्या नाम है भाई? नियोटेक। सो भाई नियोटेक मशीन यूज़ करते हैं। सो भाई इनकी रेंज मशीन्स की रेंज कितने से स्टार्ट है कितने तक होती है? 10,000 से स्टार्ट है, अब आपको 70-80,000 तक 10,000 से स्टार्ट है और 70-80,000 तक आप मशीन मतलब जो टैटू आर्टिस्ट की मशीन होती है वो होती है। और इतनी सी मशीन अच्छी 80,000 रुपये की 70,000 रुपये की। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ अब क्या रहती है जब भी हम टैटू बनवाते हैं, इंक, क्योंकि फेड बहुत सारे ऐसे टैटूज होते हैं जो हम सस्ते बनवा लेते हैं पर फेड हो जाते हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैक्सिमम टैटू आर्टिस्ट कौन सी इंक यूज़ करते हैं? इंडिया में जो यूज़ होती है वो ट्रिपल ब्लैक होती है और डायनेमिक की ये है। और इसकी मतलब इंक कम, क्या फ़र्क रहता है इंक्स में? क्या नहीं USA मेड करता है ना, वो ये इंडियन ब्रांड ही है तो ये स्पेशली टैटू के लिए बनी है, ये स्पेशली टैटू के लिए बनी हुई है, ये फेड नहीं होती है कम इंडियन के लिए। मतलब डायरेक्ट ट्रिपल ब्लैक है, ये ट्रिपल ब्लैक है, नॉर्मल ब्लैक से 3 गुना ज्यादा ब्लैक, क्योंकि जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी स्किन वाइट होती है तो टैटू अच्छा लगता है। सो ये स्पेशली ट्रिपल ब्लैक इसलिए आती है ट्रिपल स्किन के लिए, ये इंडियन स्किन के लिए स्पेशल बनती है ये इंक। सो गाइस जब भी आप टैटू बनवाओ इसका जरूर चीज का याद रखें, ट्रिपल ब्लैक डायनेमिक USA में। सो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, बन चुका है और टैटू स्टार्ट होने वाला है। सो फॉर गुड आपका बहुत टाइम के बाद टैटू बना रहा हूँ, मेरे को डर भी लग रहा है। दर्द, बहुत लोग ये पूछते हैं कि दर्द होती है, गाइस दर्द होती है नहीं होती है वो जब आप बनाओगे तब पता चलेगा। बहुत पेन होता है, बस कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सो मैं आपको डोर बंद कर देता हूँ क्योंकि यार नॉइस आ रहा होगा। तो अभी टैटू स्टार्ट होने वाला है। और भाई का नया सेटअप है। मैं जिद कर रहा था भाई, मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही भाई ने यहाँ पे मतलब वापिस आए हैं, यहाँ पे अपना सेटअप रेडी कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो नहीं मेरे को चाहिए। कहते नहीं अभी मैंने बैट नहीं लाया है, मैंने स्ट्रक्चर कुछ नहीं रखा हुआ है, कैसे बनाएंगे? मैं खड़े होकर बनवा लूँगा, बट आप बनाओ ऑर्डर। तो गाइस टैटू स्टार्ट हो चुका है और मैं बहुत टाइम के बाद टैटू बना रहा हूं, जिस वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो पूछो ना कितना दर्द होता है, देख लो कितना दर्द होता है यार। मैंने तो ये पूरी आर्म कर ली है, मेरे को इतना पेन हो रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ ये होगा, उसके बाद मैं टैटू नहीं डलूंगा, इतना पेन हो रहा है। पर नहीं यार, दर्द के आगे जीत है। मैंने मोंडन ड्यू पी के आया था आज। पेन के बाद तो चीज मिलती है ना, मैं वो डेली दवा मिरर में देखोगे ना तो पेन का कुछ नहीं है। दर्द तो जिंदगी में ऐसे भी बहुत मिलते हैं नहीं? हाँ वही दर्द की बात है, समझिए ना। तो गाइस ऑलमोस्ट टैटू कंप्लीट होने वाला है हमारा। और मेरे को सच्ची में इस बार टैटू में बहुत पेन निकलूंगा, बहुत टाइम के बाद हुआ रहा था, तो मे भी उस वजह से पेन हुई। पहले मैं रेगुलर करवाता रहता था, मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार। तो ये देखो मैंने सेम टैटू बनवाया है, जो वहाँ पे है वही यहाँ पे। तो बहुत टाइम लगा आज, क्योंकि पहले तो स्केच नहीं बन रहा था, पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस बार। तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि मैं अपने हाथ पे कौन सा टैटू बनाऊं, और कोई भी लकी हो सकता है जिसकी पसंद का मैं टैटू बनवाऊंगा, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इवन इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, टैटू DM कर सकते हो। और टैटू होने ही वाला है। सबसे ज़्यादा पेन ही शेडिंग में होती है, सबसे ज़्यादा पेन ही शेडिंग में होती है। तो देखो, बट शेड ही मैटर करती है, कितना प्यारा लुक आता है शेड से और कितनी कहाँ पे शेड करनी है। ये है वर्ड और लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड। ये बोन पे थोड़ा इसलिए पेन करेगा। ओ भाई शिट। सो गाइस टैटू हो चुका है कंप्लीट। लाइट थोड़ी कम आ रही होगी और देखते हैं। अब मुझे तो प्रॉपर दिख भी नहीं रहा था, भाई ने टैटू कंप्लीट कर दिया है। और इसके ऊपर अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ से कितना रेड, कितना ब्लड, यहाँ से तो ब्लड भी निकला शायद से। मतलब पेन इस टाइम मुझे तो जलन पड़ रही है ना, कोई मेरी फीलिंग नहीं समझ सकता, इतना दर्द होता है टैटू में। ओह, लगी हुई पे ना नमक फेंकना जिसको बोलते हैं, वो हो रहा है। उम्मा सो बुरी हाल दिया है। सो फाइनली फैमिली टैटू कंप्लीट हो चुका है। मुझे टैटू नहीं दिख रहा क्योंकि नया भैया का नया सेटअप है, तो यहाँ पे मिरर नहीं था। आप बताओ कैसा लग रहा है? अभी मैं घर जाऊंगा, देखूंगा। सो अभी थोड़ी सी टैटू की नॉलेज दे देता हूँ आपको। देखो स्पेस कैसे भाई ने छोड़ी है। मेरा फ्रेंड बता रहा है कि स्पेस इस टैटू से ये ज़्यादा टैटू अच्छा लग रहा है क्योंकि स्पेस ज़्यादा थी। भैया ने पहले ही मुझे आते ये समझाया था कि अगर जितनी स्पेस छोड़ेंगे टैटू उतना ज़्यादा अच्छा और निकल के आएगा, खिल के आएगा। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब आप टैटू बनाने जाते हो। सो कैसा लग रहा है टैटू कमेंट सेक्शन में बताओ। जल्दी से जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो। हॉटी दिपेश कमेंट्स में बताओ, बहुत सारा प्यार दो, चैनल को शेयर करो क्योंकि न्यू स्टार्टअप है। जैसे इंस्टा पे स्टार्ट किया था 0 से 200 के, और यहाँ पे भी अब 0 से स्टार्ट हुए हैं, और ये मिलियंस विलियंस में जाना चाहिए। और ये भाई का स्टूडियो है जिन्होंने टैटू बनाया। थैंक यू सो मच भाई। कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो आप। बस यार आप लोगों को क्या चाहिए, भाई को सपोर्ट करो और भाई को भी सपोर्ट करो। विजयपुर में भाई का स्टूडियो है, मेरे से पूछ सकते हो, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। किसी ने भी अगर टैटू बनवाना हो, भाई की आईडी, इंस्टा आईडी और आपको भाई का फ़ोन नंबर सब बता दूंगा। सो यहाँ से आपको नॉलेज मिल जाएगी। मैं तो चाहता हूँ वैसे शर्टलेस ही रहूँ, बट ठंड बड़ी बार तो पेट मेरा नहीं दिखाना चाहता मैं, छुपा देता हूँ इसको। और नेक्स्ट टैटू जो मैं अपनी आर्म को कंप्लीट करने वाला हूँ, मैं पहले शायद हाथ पे बनवाऊंगा टैटू, उसके बाद यहाँ पे बनवाना स्टार्ट करूंगा। सजेशन दो क्या बनाऊँ। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। बाय।